आमतौर पर ब्रिज का निर्माण एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए किया जाता है और अगर देखा जाए तो पुलों का निर्माण पुराने समय से ही होता रहा है। वैसे तो दुनिया भर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और खतरनाक ब्रिज मौजूद हैं, जिन पर चलना भी मौत को दावत देने के बराबर है। इसलिए तो कहा जाता है, बाबूजी चलना संभल संभल के, बड़े धोखे हैं इन राहों में। ऐसा ही कुछ हाल ही में सुनने को मिल रहा है, जहां गुजरात के मोरबी में रविवार शाम दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। मोरबी के पास मच्छू नदी में एक केबल ब्रिज अचानक टूट गया। इससे ब्रिज पर मौजूद लोग नदी में गिर गए। हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और जिस वक्त हादसा हुआ तब पुल पर 400 से 500 लोग मौजूद थे। हालांकि देश में ब्रिज टूटने का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया की बहुत ही खतरनाक ब्रिज के बारे में बताने जा रही हैं, जिस पर चलना यानी मौत को दावत देना। क्यू इस्वाचक रो ब्रिज पेरू। पेरू के कुजको में स्थित रस्सी से बना ये दुनिया का सबसे खतरनाक पुल है। इस पुल पर चलते हुए लोग डगमगाने लगते हैं और डर से उनकी चीख भी निकल जाती है। ये खतरनाक रस्सी का पुल केनियोन नदी पर हुआ है, जिसकी लंबाई 118 फीट और ऊंचाई 220 फीट है। ये ब्रिज पर्यटकों के बीच काफी पॉपुलर है। इस ब्रिज को हर साल 10,000 से ज्यादा विदेशी सैलानी देखते आते हैं। पेरू सरकार ने इस ब्रिज को कल्चर हेरिटेज घोषित कर रखा है और यूनेस्को ने साल 2013 में इस ब्रिज को वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। रस्सी से बना ये पुल कुजको गांव को पेरू से जोड़ता है। इस ब्रिज को जंगली घास की रस्सी से बनाया गया है। बारिश और लोगों के आने जाने से इस पुल की रस्सियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए हर साल पुराने ब्रिज को गिराकर नया पुल बनाया जाता है। बता दें कि इस ब्रिज से 500 सालों से गांव के लोग पेरू को जोड़े हुए हैं। हुसैनी ब्रिज पाकिस्तान। पाकिस्तान में बना ये रस्सियों का झूलता पुल एशिया का सबसे खतरनाक हैंगिंग ब्रिज माना जाता है। इसे लोहे की तारों के साथ लकड़ियों की पट्टी से जोड़कर बनाया गया है। यह पुल 2011 में बुरी तरह से नष्ट हो चुका था, फिर वहां दूसरा ऐसा ही पुल बनाया गया था, लेकिन दोबारा बनाया गया ये पुल पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। ये पुल हुंजा नदी के ऊपर बनाया गया है। लकड़ी और रस्सी से बने इस पुल को तेज हवाएं हिलाती रहती हैं और जरा सा भी ध्यान हटा तो सीधे नीचे पानी में जाकर गिर सकते हैं। इतने खतरे के बावजूद भी गांव के लोग रोजाना इस पुल का इस्तेमाल करते हैं और स्कूल जाते बच्चे दिन में दो बार इस ब्रिज को पार करते हैं। हुसैनी हैंगिंग ब्रिज पाकिस्तान के सबसे पुराने पुलों में से एक है। गैप ब्रिज चाइना। दोस्तों, आपने चाइना के उस कांच वाले पुल के बारे में तो सुना ही होगा और आज हम आपके लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक और डरावना पुल ढूंढ कर लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है चाइना का डेथ ब्रिज। बता दें, चाइना का ये पुल 200 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जिस पर चलकर लोग अपने आप को खतरों के खिलाड़ी साबित करते हैं। हालांकि यहाँ पर चलने वाले सभी व्यक्ति सेफ्टी बेल्ट के साथ बंधे हुए रहते हैं, लेकिन देखने में ये जितना आपको सरल और आसान लग रहा है, इस पुल पर चलना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावना अनुभव होता है। और अगर आप कमजोर दिल वाले हैं या फिर ऊंचाई से डरते हैं तो आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा कर ही इस पुल पर वॉक करें। यूपेन ब्रिज म्यांमार। यूपेन पुल दुनिया के सबसे लंबे लकड़ी के पुलों में से एक है। लगभग 200 साल पुराने इस ब्रिज को 1850 में बनाया गया था, जो आज भी बहुत ही अस्थिरता के साथ खड़ा है, इसलिए इस दुनिया का सबसे पुराना लकड़ियों का ब्रिज कहा जाता है। 15 फीट ऊंचे और लगभग 1.2 किलोमीटर लंबे इस लकड़ियों से बने पुल का इस्तेमाल यहाँ के लोग दैनिक आधार पर टांग मंथन जेल के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। घासा हैंगिंग ब्रिज नेपाल। घासा दुनिया के 10 सबसे खतरनाक पुलों में से एक है, जो नेपाल के गूज गांव में स्थित है। नेपाल में बने घासा हैंगिंग ब्रिज का निर्माण चरवाहों और उनके जानवरों के आवागमन को आसान बनाने के लिए किया गया था। पुल बेहद ही तंग और जर्जर हालत में है।
रस्सी और तार की मदद से बनाया गया ये पुल 70 मीटर लंबा और 137 मीटर ऊंचा है। हालांकि जानवरों के झुंड के साथ इस पुल को पार करने का अनुभव करना आपके रोमांचकों को और भी बढ़ा सकता है। कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज नदी के ऊपर बना हुआ दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिजों में से एक माना जाता है और इस ब्रिज की कुल लंबाई 140 मीटर और 70 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। शुरुआत में इस ब्रिज को रस्सियों की सहायता से बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे और मजबूत करने के लिए केबल से बना दिया गया। प्रथम बार इस ब्रिज को 1889 में खोला गया था। दोस्तों, हर वर्ष इस ब्रिज पर घूमने के लिए लाखों टूरिस्ट आते हैं। साथ ही इस ब्रिज के पास 7 ऐसे ही छोटे ब्रिज भी बनाए गए। दोस्तों, इस ब्रिज पर 100 टन से भी ज्यादा लोग घूमते हैं जो कभी भी भार की वजह से गिर सकता है। ड्रेकेनवांड क्लिटरस्टिच ब्रिज ऑस्ट्रिया। मोन्सी नदी के पास में स्थित इस जगह को ड्रेकेनवांड के नाम से जाना जाता है। एडवेंचरस के शौकीन लोगों के लिए ये पुल किसी जन्नत से कम नहीं है। बता दें कि ये ब्रिज दो बेहद ऊंचे पहाड़ों को जोड़ने का काम करता है और अगर आप इस ब्रिज पर चलने का लुफ्त उठाना चाहते हैं तो आपको पहले 1167 मीटर की ऊंची पहाड़ी की चढ़ाई करनी होगी, जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। बता दें, ये ब्रिज सिर्फ रस्सी और लकड़ी की मदद से बनाया गया है और इस पर सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं है। उंडन स्काई ब्रिज रशिया। रूस के ट्रांस बेकाल क्षेत्र में विटामिन नदी पर 50 फीट ऊपर बने इस ब्रिज की हालत को तो आप देख ही सकते हैं। ऐसी हालत के किसी भी ब्रिज को पार करने की हिम्मत शायद ही हम में से कोई करे, पर रोमांच पसंद कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल से इस ब्रिज को पार करने का जोखिम आज भी उठाते हैं। एक तिहाई मील लंबे इस ब्रिज की चौड़ाई महज 7 फीट है। इतना ही नहीं, नीचे बहती खतरनाक विटम नदी पर बने इस पुल के दोनों ओर कोई रेलिंग भी नहीं लगी हुई है। कहा जाता है जब इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तब यहाँ रेलवे ट्रैक बनने वाला था, पर किसी कारण ये पूरा नहीं हो सका और उस अधूरे ब्रिज पर अब गाड़ियां गुजरती हैं। मानना पड़ेगा उन ड्राइवर के साहसी दिलों को जो इस ब्रिज को पार करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि इस ब्रिज पर पोर्ट करने के लिए कोई रेलिंग भी नहीं है। द कॉइलिंग ड्रैगन क्लिफ स्काईवॉक। चीन में हुनान प्रांत के झांगिया झी नेशनल फॉरेस्ट पार्क में तियानमेन माउंटेन पर बना हुआ है, जो बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद ही खतरनाक भी है। इसे अगर मौत का पुल भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, 100 मीटर लंबा और 1.6 मीटर चौड़े इस ब्रिज को 1 अगस्त 2016 को आम लोगों के लिए खोला गया। कोइलिंग ड्रैगन तियानमेन माउंटेन पर तीसरा और नवीनतम ग्लास स्काईवॉक है। ये ब्रिज 1500 मीटर की ऊंचाई और कांच का बना होने की वजह से नीचे का दृश्य बेहद डरावना दिखाई देता है। इस ग्लास ब्रिज को तियानमेन माउंटेन नेशनल पार्क में दो सीधी चट्टानों से लटकाया गया है। सांसें थाम देने वाले इस पुल पर जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन जो जाते हैं वो रोमांचित हुए बिना नहीं आ पाते। ट्रिफ्ट ब्रिज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में बना ये इकलौता सस्पेंशन ब्रिज 170 मील लंबा है और जमीन से 300 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। बता दें कि इस संकरे ब्रिज का निर्माण 2004 में हुआ था। यह ब्रिज एल्प्स पर्वत पर ट्रिप्सी झील के ऊपर बनाया गया है और इस ब्रिज की खास बात यह कि इसे पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है। इस ब्रिज पर चलने के लिए आपका दिल मजबूत होना चाहिए। ट्रिफ्ट ग्लेशियर को देखने के लिए हर साल वहां 20,000 पर्यटक जाते हैं। हालांकि इस ब्रिज पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। इस पर पहुंचने के लिए आपको बेहद ही कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। बता दें कि इस जगह पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिसके कारण ब्रिज लग जाता है। हालांकि 2009 में इस पुल में काफी सुधार किया गया। एआई पेट्री ब्रिज यूक्रेन। एआई पेट्री ब्रिज को यूरोप की चोटी भी कहा जाता है। यह ब्रिज क्रीमियों के याल्टा क्षेत्र में स्थित है। दो पहाड़ों को आपस में जोड़ने वाला ये ब्रिज समुद्र तल से 1234 मीटर यानी कि 4048 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इतनी अधिक ऊंचाई पर बने होने की वजह से यहाँ पर हर समय तेज हवाओं का खतरा बना रहता है। तेज हवाएं और इतनी अधिक ऊंचाई पर ही हिलता इस ब्रिज पर जाने से अच्छे अच्छों की फटती है। झांगजियाजी ग्लास ब्रिज झील।
जांगजियाजी ग्लास ब्रिज चाइना में बने ऐसे ही करीब 40 ग्लास के ब्रिज से थोड़ा हटके हैं। ग्लास से बना ये ब्रिज पूरी तरह पारदर्शी है और जब आप ब्रिज पर खड़े होकर अपने पैरों की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में चल रहे हैं। बता दें कि इस ब्रिज में 1077 शीशे लगे हुए हैं। इस ब्रिज की लंबाई 430 मीटर और चौड़ाई 20 फीट है। ये ब्रिज जमीन से करीब 300 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। बता दें इस ब्रिज के पास 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची बंजी जंप का रिकॉर्ड भी शामिल है। दोस्तों इस ब्रिज को खतरनाक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि एक तो ये कांच से बना हुआ है, साथ ही इसमें कुछ ब्रेकिंग इफेक्ट्स लगाए गए हैं जिसके कारण इस ब्रिज पर चलते समय कांच टूटते हुए नजर आते थे। यह ब्रिज बहुत ही मजबूत है लेकिन फिर भी ये चीन की बनावट है और मेड इन चाइना पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमने इस वीडियो में वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस ब्रिज के बारे में बताया है। वैसे हाल ही में हुए गुजरात में ब्रिज हादसे के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।